हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑफिस नोटबुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग लिब्रा ऑफिस राइटर पे वेडिंग इनविटेशन कार्ड डिजाइन करना सीखेंगे। आप सेम तरीके से बर्थडे इनविटेशन कार्ड भी डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो पहले हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। तो मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। अब फ्रेंड्स, मैं पेज सेटअप पे चला जाऊंगा और यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, इसके जगह पे मैं लैंडस्केप सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब फ्रेंड्स, मैं इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, पेज स्टाइल पे चला जाऊंगा और यहाँ पर मार्जिन पे देखिए लेफ्ट मार्जिन मैं ले लेता हूँ 0.3, राइट साइड से भी 0.3, टॉप से भी 0.3 और बॉटम से भी 0.3। अब मैं ओके कर दूंगा, यस। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो मार्जिन है बहुत ही छोटा हो गया है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बेसिक शेप से जाके यहाँ पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, पोजिशन एंड साइज पर चला जाऊँगा और यहाँ पर विड्थ मैं ले लूँगा 5 और हाइट मैं ले रहा हूँ 7.89 और इसके बाद मैं कर दूंगा ओके। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइन स्टाइल पे जाके यहाँ पर मैं नान सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद यहाँ पर देखिए अलाइन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर मैं लेफ्ट अलाइन कर दूंगा, इसके बाद मैं इसको कर दूंगा टॉप अलाइन। ओके, सो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये अलाइन हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखिए फिल कलर पे चला जाऊँगा। यहाँ से देखिए मैं इस लाइट कलर को चूज करता हूँ, इसको मैं और भी लाइट करना चाहता हूँ तो देखिए कस्टम कलर पे चला जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लाइट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इस शेप को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉपी करूँगा और पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो बॉर्डर है, यहाँ पर लाइन स्टाइल पे जाके मैं कॉन्टिन्यूस सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर फिल कलर जो है यहाँ पर देखिए मैं नान कर दूंगा और इसका साइज मैं ले रहा हूँ 0.03 और यहाँ पर देखिए कलर मैं इस कलर को ले रहा हूँ या फिर आप दूसरा कोई कलर भी ले सकते हैं, इस कलर को ले लेता हूँ। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा और भी बड़ा कर देता हूँ, 0.07 ले लेता हूँ और देखता हूँ बस ये सही है। ओके, अब मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर पोजीशन एंड साइज पे चला जाऊँगा और यहाँ पर देखिए कीप रेशियो का ऑप्शन है, कीप रेशियो रख दीजिए और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4.5, तो ये देखिए छोटा हो गया। ओके, अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके इस शेप को सिलेक्ट कर लूँगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए अलाइन पे यहाँ पर आप देख पाएंगे सेंटर का ऑप्शन है, सेंटर आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर फिर से देखिए सेंटर आ जाएगा, ये है वर्टिकली सेंटर। ओके, सो यहाँ पर मैंने वर्टिकली भी सेंटर इसको पोजीशन कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर मुझको एक स्टाइलिश बॉर्डर डालना है तो इसके लिए देखिए मैं इंसर्ट इमेज पे चला जाऊँगा, इंसर्ट इमेज, और यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारा यहाँ पर बॉर्डर्स रखे हैं मेरे पास। आप इसको इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैंने इसको कर लिया है ओपन। ओके, अब फ्रेंड्स मैं इसको कर लेता हूँ क्रॉप, यहाँ से इसको मैंने यहाँ से क्रॉप कर लिया। ओके, इसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे चला जाऊँगा और यहाँ पर देखिए कीप रेशियो का ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, और यहाँ से देखिए मैं इसको कर देता हूँ छोटा। सो इस तरीके से आप यहाँ पर कीप रेशियो जो है इसको आप मेंटेन रखिए। ओके, और इसको रखने के बाद यहाँ पर देखिए आप इसको आसानी से प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर आपका स्नैप हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप इस तरीके से शानदार तरीके से इसको प्लेस कर सकते हैं। फिर इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको देखिए यहाँ पर रोटेट करने का ऑप्शन है, रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, इस तरीके से मैंने रोटेट कर दिया। ओके,
अब मैं यहाँ पर पोजिशन पे जाके यहाँ पर मैं लेफ्ट, और यहाँ से देखिए मैं इसको कर देता हूँ अलाइन टॉप टू एंकर। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर हम लोगों ने शानदार तरीके से इसको पोजिशन दे दिया है। ओके अब फ्रेंड्स मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, इस शेप को भी सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, मैं ग्रुप कर देता हूँ। ओके अब ग्रुप करने के बाद इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। सो मेरे पास ये कॉपी पेस्ट आ गया है। अब मैंने इसको इस तरफ लेकर आ गया। अब दोस्तों यहाँ से देखिए मैं इसको कर देता हूँ राइट अलाइन और इसको मैं कर देता हूँ टॉप। ओके सो देखिए इस शानदार तरीके से ये यहाँ पर पोजीशन हो गया। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं एक कॉपी बना लिया और यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर पे देखिए मैं इसको प्लेस कर दूंगा, यहाँ पर सिंपली स्नैप ले लेगा। ओके सो यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको प्लेस कर दिया है। इसको भी देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है और अब फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा तो ये देखिए आसानी से यहाँ पर स्नैप हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो पेज है इसको हम लोगों ने बना लिया है। ओके अब यहाँ पर हम लोग को टेक्स्ट डालना है। सो यहाँ पर पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। अब मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको देखिए मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ और यहाँ से देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके और इसके बाद मैं इसका साइज इंक्रीज करूँगा, इंक्रीज हो गया। अब इसको आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। ओके अब इसको इस पेज के सेंटर पे आपको ले आना है, इस शेप की सेंटर पे। तो इस शेप को मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पर मैं सेंटर कर दूंगा। सो देखिए आसानी से ये सेंटर पे आ गया है। ओके अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझको एक इमेज इंसर्ट करना है। पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लूंगा, इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया। ओके अब इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इमेज का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ से आपको बहुत सारा इमेज मिल जाएगा। सो फिलहाल देखिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई सा भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये सही तरीके से यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुए हैं तो इसके लिए इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, पोजीशन एंड साइज लाइन, और यहाँ पर एरिया का ऑप्शन मिलता है तो एरिया पे चला जाऊँगा। और यहाँ पर देखिए मैं स्केल कर दूंगा इसको, तो देखिए ये स्केल हो जाएगा। इसके बाद मैं ओके कर दूंगा तो देखिए ये यहाँ पर स्केल हो गया है। अब चाहे तो यहाँ पर आप आउटलाइन रख सकते हैं या फिर आउटलाइन को आप रिमूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। सो आउटलाइन को मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब फ्रेंड्स इस शेप को मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से देखिए इसको कर दूंगा सेंटर, तो ये देखिए सेंटर पे आ गया। अब थोड़ा सा आप ऊपर भी इसको ले सकते हैं तो यहाँ पर ऊपर मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब फिर से यहाँ पर मुझको टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो यहां पर मैंने इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है। अब फ्रेंड्स यहां पर मैं MV बॉली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके और यहाँ पर देखिए मैं फ्रंट साइज में ले रहा हूँ 20। ओके सो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने इसको डाल दिया है। अब यहाँ पर मुझको सेंटर पे प्लेस करना है तो इन दोनों शेप को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं कर दूंगा सेंटर, तो ये देखिए सेंटर पोजिशन पे आ गया है। ओके अब यहाँ पर मुझको और एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझको टाइम डालना है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ Monday 12 September 2022 at 5 PM। ओके अब मैं इसको कर लूँगा फिर से सेंटर और इसका साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। ओके और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको फिर से सेंटर कर देता हूँ पोजीशन।
तो ये देखिए सेंटर पोजीशन पे आ गए। ओके, तो इस तरीके से पहला पेज डिजाइन हो गया। अब यहाँ पर मुझको डिजाइन करना है। सो यहाँ पर देखिए मैं फिर से यहाँ पर एक इमेज डाल दूंगा, तो मैं इस इमेज को यहाँ पर डाल देता हूँ और इसका प्रॉपर्टीज पे चला जाऊँगा और यहाँ पर कीप रेशियो रहने दे। और यहाँ पर देखिए मैं ले रहा हूँ 4 और ओके कर देता हूँ। और भी मुझको छोटा करना है इसको, सो प्रॉपर्टीज पे चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2.5 और ओके। अब ये सही है। अब मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा। आप चाहे तो यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं चारों तरफ से, इस तरीके से आप इसको क्रॉप कर ले पहले। ओके, अब फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पर पोजीशन कर देता हूँ। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मुझको और एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है, इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लेस। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पर मैं बोल्ड कर दूंगा और इसका साइज मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप एम्फसाइज कर सकते हैं या फिर आप इसको बोल्ड एज इट इज इसको रहने दे, सिर्फ साइज को आप इंक्रीज कर ले तो भी आपको यहाँ पर शानदार दिखेगा। ओके, अब यहाँ पर मुझको नेम डालना है। सो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। सो पहला यहाँ पर मैं एक नाम डाल देता हूँ। ओके, और इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। इसके बाद मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं और एक नाम डाल देता हूँ। ओके, सो दोनों नेम यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मुझको एक इमेज डालना है। सो यहाँ पर मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ पहले, आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर देखिए मैं इमेज ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से देखिए मैं इन दोनों हैंड का पिक्चर यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, एरिया पे चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं स्केल कर दूँगा और ओके कर दूँगा। ओके, और यहाँ पर देखिए इसका जो आउटलाइन है इसको मैं नान कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ और दोनों साइड से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और इस नेम को भी मैं ऊपर ले रहा हूँ। ओके, सो इस तरीके से देखिए आप कंप्लीटली यहाँ पर आप डिजाइन कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंट प्रीव्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर बॉक्स बॉक्स आपको दिख रहा है, प्रिंट प्रीव्यू जब आप करेंगे सो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं शो होगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कितना शानदार ये दिख रहा है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से डिजाइन कर सकते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर पे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।